दुर्गा सप्तशती में एक मंत्र है, सर्व मंगल मांगल्य स्वी सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। इस मंत्र के संपूर्ण पाठ करने से सभी प्रकारों की मनवांछित फल की प्राप्तियां होती है। वैसे जो अगर दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं भी करते हैं तो कम से कम दुर्गा सत अष्टोत्तर नामावली है, ओम सतनाम प्रवक्षामि इत्यादि। तो दुर्गा सप्त अष्टोत्तर नामावली का पाठ एवं दुर्गा सप्तशती का चौथा अध्याय का शक्रादि स्तुति है, चौथा अध्याय का पाठ नित्य क्या करें एवं व्रत धारण करके माँ जगज्जननी जगदम्बा का आराधना करें, जिससे सभी प्रकारों की, कहा गया है जो उपसर्गान शेखांस्तु महामारी समुद्भवाम तथा त्रिविध मुत्पातम महासम्यम शमिये मम। सभी प्रकारों के उत्पात से त्रिविध ताप जो होता है, दैहिक दैविक भौतिक, तीनों ताप से निवारण करने वाली माँ जगजनी जगदम्बा हैं और सभी तीनों प्रकार के ताप से निवारण करते हैं। देवताओं पर जब आपत्तियां आती है तो देवता चतुर्थ अध्याय में कहा, दुर्गा सप्तशती के चतुर्थ अध्याय में है जो शक्रादि स्तुति देवता जगजनी जगदम्बा का स्तवन करते हैं और उस स्तवन करने से, अर्थात चतुर्थ अध्याय का स्तवन माँ जगदम्बा को सुनाते हैं, जिससे देवताओं पर भी आई हुई विपत्तियों का निवारण स्वतः माँ जगदम्बा करती हैं। इसीलिए मानव की क्या कथा है, मानव माँ का स्मरण करें एवं दुर्गा सप्तशती का पाठ किया करें।